वही, ये इसने रेड स्ट्राइप्स लगाई थी ना गाड़ी में, मेरे को लगा पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि अंडर कवर भी काफी होती है भाई। तो भाई लेट हो गए। अगर मैं ज्यादा देर तक, क्या कहते हैं, ज्यादा देर तक खड़े रहता ना तो मेरी आंखें भर जानी थी, क्योंकि मेरे को भी फिर होना था कि मेरे को भी इंडिया ले चलो कोई वापस, तो इसलिए चलो ठीक है टाइम से निकल गया, नहीं तो मेरा बड़ा मन कर रहा भाई, इतना ज्यादा मन कर रहा था कि कब वो दिन आएगा कि जिस दिन मुझे मेरे दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आएंगे इंडिया जाने के लिए, बट जल्दी आने वाला, टेंशन नहीं लो वो दिन, है ना। आज नहीं पहुंच पाते मेरे को लग रहा है, अभी हमारी आंखों के सामने मेरे दोस्त का जहाज यहीं से उड़ जाएगा और हम यहीं से उसको बाय कर लेंगे। ओ भाई एकदम एयरपोर्ट के पास आके ट्रैफिक लग गया इतना गंदा, भाई एयरपोर्ट की पुलिस भी होती है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। बाकी यार हाँ बातों बातों में तो भूलना पूछी मतलब पूछना भूल ही गया कि आप लोगों का क्या हाल चाल है, क्योंकि जब मैं जल्दी जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों से पूछना भूल जाता हूँ, कि जैसे कि आप लोगों का क्या हाल है और आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, वो सब, और फैमिली में सब ठीक है। तो हाँ जिस चीज से मैंने पहले नहीं पूछा तो भाई अभी पूछ लेता हूँ, अपना हाल चाल कमेंट करके बता दो कैसे हो सब। डर तो नहीं गया तो भाई पीछे वाला बंदा ना गिर जाए मेरा ये नहीं हो लेने के देने पड़ते हैं, इसलिए मैं उससे हाल चाल पूछ लेता हूँ मैं ठीक है ना। ये ना ये जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ ना, एक दिन मेरे को पता क्या बोल रहा था, कहता कि आप ना भैया एक काम करो, एक बार ना जानबूझ के गिरो, फिर देखना आपके व्यूज कितने जाते हैं। अब एक बार गिरता हूँ इसको पीछे बैठा के, फिर इसको पता चलेगा कि व्यूज कितने जाते हैं। ये चीज ना मेरे से एयरपोर्ट में पूछा था मैं, तब तो तू कहता था कि भैया एक बार ना नीचे गिरो, बाइक नीचे गिराओ, है ना, ऐसे वो स्क्रिप्टेड एक्सीडेंट करो अपना और फिर देखना व्यूज कितने जाते हैं। मैं आज इससे पूछूंगा, मैं आया मजा फिर गिरने का। यार ये पीछे से ये ना सही तरीके से बैठ नहीं रहा, मैं सही बताऊं ये सही तरीके से बैठ नहीं रहा, क्योंकि मैं जिस तरफ को शिफ्ट कर रहा हूँ ना ये उसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब अगर मेरे को राइड में जाना होता तो इसकी ये बॉडी को अपनी लेफ्ट करता है कि इसको लगता है कि मैं राइड को ज़्यादा लीन होकर गिर ना जाए, इसलिए ये लेफ्ट को हो रहा। अभी तो मैं चल इसको समझा नहीं सकता, बट हाँ अगर कोई पीछे बंदा बैठा हो ना तो उसको एकदम वैसे ही रिएक्ट करना पड़ता है जैसे सामने वाला बंदा कर रहा है, जैसे सामने वाला बंदा बाइक चला रहा है, मतलब जिस साइड को वो ज़्यादा बेंड हो रहा था उसको भी उसी साइड होना, ये नहीं कि तू दूसरी साइड एंटी डायरेक्शन में जाए, उससे क्या होगा कि आपका ही बैलेंस खराब होगा। तो ये मैं जैसे ही कोई कटिंग वगैरह करता ना ये थोड़ा सा डर के मारे ना थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो इसको मैं कोई नहीं बाद में समझाऊंगा किसी दिन। यार इसको भी 6-7 साल हो गए हैं इंडिया गए, तो बाइक पे बैठे इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो बंदे को वो नहीं रहता है ना प्रैक्टिस की कैसे बैठते हैं। इंडिया में तो आपको पता ही है 4-व्हीलर में कम 2-व्हीलर में ज़्यादा घूमते थे, तो उस चक्कर में इंडिया में सबको होती है कि हाँ भाई कैसे बैलेंस रखना है बाइक पे। अबे यार बड़ा ही गंदा ट्रैफिक है, ये कब ख़त्म होगा? आज नहीं मेरे को लगता ख़त्म होगा। यार बीच में लेन के बीच में भी काफ़ी कम जगह है, मतलब 9 के बराबर ही जगह है, कोई पता नहीं गाड़ी वाला कब राइट लेफ्ट ले ले और मैं बच जाऊँ। बाकी आप लोग बताओ यार आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कि हाँ भाई लाइफस्टाइल व्लॉग जिसको आप कहते हो, हर बारी कमेंट करके भाई और भी बताओ आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो भाई यही सब होता है दोस्तों के पीछे आगे पीछे, कभी ये काम कभी वो काम, कभी हॉस्पिटल चले गए, कभी किसी को एयरपोर्ट छोड़ने चले गए, है ना, तो मोस्टली मेरी लाइफ में यही चल रहा होता है। एंड अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो भाई हाँ कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझे कैसे व्लॉग डालने चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक लूज़ हुआ है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट ठीक है, इतना ट्रैफिक हो तो बंदा अपनी बाइक निकाल सकता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ी सी तंगी होती है कि बाइक तेज़ चलाने में, क्योंकि कब पता नहीं कोई गाड़ी वाला कब अपना इंडिकेटर दे के साइड हो जाए, थोड़ा सा इतना ट्रैफिक लूज़ हो ना कि हाँ फिर बंदा निकाल सकता है बाइक अपनी। निकाल अकॉर्ड वाले तेरे आके पूरी रोड खाली है, भगा थोड़ी, निकाल निकाल तेज चलाते, खैर पूरी रोड खाली आके भगा ही नहीं रहा, फिर मैं गंदा ओवरटेक मारूंगा तो फिर ये खुश रहेंगे।
ये देखो पूरी रोड खाली है ना, पूरी रोड ब्लॉक करके चला रहा था। इन जैसे गाड़ियों वालों की वजह से ना ट्रैफिक लगता है, जो मेन रीजन है यहाँ का। बस यहाँ से मे भी 5 मिनट का रास्ता रह गया होगा एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट में जाएंगे, दोस्त को अलविदा करेंगे और इस ब्लॉग को कर देंगे खत्म, और पीछे वाले बंदे से आज लेंगे रिव्यू कि कैसा लगा राइड करके सुपर ड्यूक पे। भाई हर किसी को थोड़ी ना राइड करने का मौका मिलता सुपर ड्यूक पे, क्योंकि काफी रेयर बाइक जो है। लेट्स गो। ये रह गया एयरपोर्ट पियर्सन, पियर्सन एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट का नाम है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। तो बस पहुँचने वाले हैं, बस दोस्त कहीं फ्लाइट पकड़ के उड़ ना गया हो, वेट कर ले हमारा। बट यार अगर वो लेट हो रहा होगा तो चले ही जाए इससे अच्छा, क्योंकि इसने इंडिया जाना है, इंडिया की फ्लाइट मिस होगी तो भाई महंगा बड़ा खर्चा पड़ जाएगा उसको। अबे यार फिर से डेड स्टॉप ट्रैफिक, एकदम फुल स्टॉप वाला ट्रैफिक फिर से। पीछे वाला बंदा हो रहा एक तो यार ये 2 सीटर बाइक में ना बैठना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर पीछे वाले बंदे के लिए, क्योंकि वो सीट थोड़ी ऊपर होती है और उसको थोड़ा बेंड होके बैठना पड़ता है ताकि थोड़ा ना पोस्चर वगैरह सही रहे, तो उस चीज़ में ना बड़ा वो होता है। स्कूटी तो है नहीं, स्कूटी में बंदा कंफर्टेबल होकर बैठता है, बट यार बाइक का अलग सिस्टम है, बाइक में बंदा अनकंफर्टेबल, पीछे वाला बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बड़ा तरस आता है उसके ऊपर। ट्रैफिक खुला हुआ है, चलो भगाओ भगाओ, बस पहुंच गए यार, 2 मिनट का रास्ता रह गया फिर। ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आया, ज़्यादा कर्व नहीं करूँगा। पीछे वाला, ये पीछे वाला एंटी डायरेक्शन में जाता है, अगर मैं राइट को कर्व कर रहा हूँ ना तो ये लेफ्ट को जाएगा, क्योंकि उसको डर लगता कि बाइक ज़्यादा बेंड हो गया गिर ना जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा कर्व करूँगा नहीं कि यहाँ गिर ना जाए। भाई गाड़ियाँ जिस हिसाब से पीछे से आ रही है ना, ब्रेक किसी ने नहीं लगानी। चलो चलो यार पूरी रोड खाली है, गाड़ी वाले थोड़ा पका ले यार, पूरी रोड खाली है, पता नहीं लोग भगा क्यों नहीं रहे। लोगों को ऐसा नहीं होता कि यार हम जल्दी पहुंचे जहां भी पहुंच रहा हूं, पर यार नहीं यार, सॉरी मैं गलत एडवाइस दे रहा हूं, स्पीडिंग मत किया करो। कई बार ना मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूं और मेरे को समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगली ऑडियंस को क्या बोल रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं। तो भाई मेरे से कोई चीज़ आप लोग सीखना मत, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, है ना, मेरे को किसी को कोई इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, ना ही मेरे से आप कोई चीज़ सीखना। यार सेफ्टी में चलाया करो अपनी बाइक, ठीक है। यार गाड़ी वाले तेरे सामने पूरी सड़क खाली है, 100 की स्पीड में चल रहा है यार, थोड़ा तो तेज भगा, हाईवे है यार, थोड़ी तो शर्म करो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी हाईवे का कैसे कर। बस यहां से रह गया थोड़ा सा और हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। ये देखो एयरपोर्ट रोड आ रही है ना सामने, ये सामने एयरपोर्ट ही आ गया। अब चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, ब्रेकें नहीं लगाओ, मेरी ब्रेकें फेल हैं आज मेरी बाइक सिर्फ इंजन ब्रेक की हेल्प से बाइक स्लो होगी, ऐसे आज मेरी ब्रेकें फेल हैं भाई। हमने जाना टर्मिनल 3 पे, तो ये है टर्मिनल 3। आ गया एयरपोर्ट फाइनली, और ये देखो आगे ट्रैफिक स्लो हो गया है। भाई एयरपोर्ट की पुलिस भी होती है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। चल 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 जल्दी कर, लेट हो गए भाई। ओ फक मैन, फक डूड, कितना ज्यादा ट्रैफिक है, शिट मैन, निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। शेट 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 शेट, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, फक मैन, पैंस की आंख आज नहीं पहुंच पाते मेरे को लग रहा है। अभी हमारी आंखों के सामने मेरे दोस्त का जहाज यहीं से उड़ जाएगा और हम यहीं से उसको बाय कर लेंगे। ओ भाई एकदम एयरपोर्ट के पास आके ट्रैफिक लग गया इतना गंदा,
शिट मैन, ये कहाँ पे आके फंस गए हम। ओए माए, ये तो ट्रैफिक के पास पहुंच के इतना ट्रैफिक लग गया हुआ है एयरपोर्ट के पास। निकालने साइड से पुलिस वाला ना हो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। चलो फिर निकालते हैं साइड से, क्या करना, साइड से निकाल, साइड से निकालना पड़ेगा भाई। लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुछ कर नहीं सकते, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मेरा बाइक का टायर ना पंचर हो जाए पिछली बार की तरह। भाई अगर आज गाड़ी होती ना तो आज दोस्त को बिना अलविदा किए ही शायद उसको इंडिया जाना पड़ता। बाइक थी जो बच गए, वरना आज मुश्किल था। टर्मिनल 3 पे भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। बड़ा ही ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बड़ा ही ज़्यादा भाई, इतनी पतली पतली जगह है। ओए पुलिस वाले का देखना, कोई पुलिस वाले की तरफ ध्यान रखना भाई। शिट 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 शिट, फंस गए इधर, क्योंकि टोरंटो एयरपोर्ट की अपनी पुलिस भी होती है और हम जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, कोई पता नहीं आज कोई गलत सीन है भाई चढ़ाई पे। भाई मेरे को पूरी इंडिया की याद आ रही है आज, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा ही ट्रैफिक लगता था गंदा वाला। बड़ा मज़ा आ रहा है चला के। टोरंटो पुलिस ना हो बस, बाकी ठीक है। भाई ये इसने रेड स्ट्राइप्स लगाई थी ना गाड़ी में, मेरे को लगा पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि अंडरकवर भी काफ़ी होती हैं भाई। ओ भाई लेट हो गए, सो सॉरी यार। हमने जाना डिपार्चर्स, आज अराइवल पे रश कम है, डिपार्चर पे ज़्यादा रश है मेरे हिसाब से ना। लोग फ्लाइट कम ले रहे हैं और देख क्या कह रहा है बहुत सड़ी के। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अगर किसी बंदे की फ़्लाइट हो और वो एकदम कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा अगर किसी बंदे की फ़्लाइट हो और वो एकदम एयरपोर्ट पे पहुंच गया हो और जितना ट्रैफिक यहाँ पे, उसकी तो फ़्लाइट पक्का मिस हो जाएगी यार। इतना ट्रैफिक लगता है किसी एयरपोर्ट पे, या सिर्फ इधर के ही लगता है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का, वहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम याद है इतना ट्रैफिक तो नहीं था यार, कि मतलब बंदा ईजिली जा सकता है। भाई इधर पता नहीं किस बात का इतना ट्रैफिक है। चलो थोड़ा सा ट्रैफिक खुला, ओए ओए तू माए, तू साले दूसरी तरफ, ये साला दूसरी तरफ को जाता है, मैं अगर इधर को बैंड और उधर को जाता है। 35 गेट नंबर 35 पे जान, 35 है ना गेट नंबर, कहाँ पे है गेट नंबर 35? ये आ गया 27, 28, 29, 30। कहाँ पे कहाँ पे 33 आ गया ना, इनकी गाड़ी कहाँ पे लगी है? ये पुलिस आ गई सामने 34, यहाँ पे लगा लें थोड़ी देर। किधर फ़ोन कर उनको, एक मिनट भाई पहले देख लेते हैं अपने बंदे कहाँ पे, फिर करते हैं कंटिन्यू। तो भाई फाइनली अपने दोस्त को कर दिया अलविदा, एंड यार एयरपोर्ट वाला बेचारा, उसकी भी जॉब थी, वो कहता कि यहाँ पे ज़्यादा तक खड़े नहीं रह सकते, आपको बस अपनी अनलोडिंग करनी है, कि मतलब अपना बस सामान बंदा बंदा उतारो और निकलो, ज़्यादा मतलब वेट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी 10-15 मिनट से खड़े थे, मिले थे, और अगर मैं ज़्यादा देर तक क्या कहते हैं ज़्यादा देर तक खड़े रहता ना तो मेरी आंखें भर जानी थी, क्योंकि मेरे को भी फिर होना था कि मेरे को भी इंडिया ले चलो कोई वापस, तो इसलिए चलो ठीक है टाइम से निकल गया, नहीं तो मेरा बड़ा मन कर रहा भाई, इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि कब वो दिन आएगा कि जिस दिन मुझे मेरे दोस्त मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे इंडिया जाने के लिए। बट जल्दी आने वाला, टेंशन नहीं लो वो दिन, है ना। चलते हैं घर को वापस और
करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ मज़ा आया देखने में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ भाई यार, जो जो मुझसे ये कमेंट में पूछना है कि इंडिया कब आओगे, भाई बस आने वाला हूँ, बस 3-4 महीने का वेट है सिमरन, बस तेरा आ रहा भाई इंडिया जल्दी सून। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए चिल करो, रिलैक्स करो और अपने ये व्लॉग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, करो बाकी किसी के साथ शेयर करो ना करो, अपने दोस्तों के साथ बड़ा शेयर करो क्योंकि दोस्ती सबसे ज़रूरी होती है। जैसे कि मुझे, मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ इस दुनिया में आया तो वो दोस्त है, और सेम आप लोगों के लिए भी होगा, ज़्यादातर लड़कों में होता है, ठीक है। तो ये व्लॉग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। एंड दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर।